नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभ्यास एक के स्टेप थ्री पे कल अभ्यास कर रहे थे। स्टेप वन पे हम लोगों ने अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। अभ्यास एक के ही स्टेप टू पे हम लोगों ने ये देखने का अभ्यास किया कि जो भी मेरे अंदर भाव है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। और स्टेप थ्री में अब हम ये देख रहे हैं कि उस भाव के साथ मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ। इस अभ्यास को कल हम लोगों ने किया होगा, इसको करने के साथ यदि कुछ बातें ध्यान में आई हैं तो उसको शेयर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न तो अपने आप से पूछने वाला है, लेकिन जैसे ये ना कि हम परेशानियां हमें दूसरों से मतलब दूसरों के साथ ठीक से रहना ज्यादा बड़ा मुद्दा है या अपने आप के साथ ठीक से रहना ज्यादा बड़ा मुद्दा है? जी, तो इसमें देखें तो अपने आप के साथ, जी मैं अपने साथ यदि कंफर्टेबल हूँ तभी मैं दूसरे के साथ भी कंफर्टेबल हो सकता हूँ। जी, तो अपने साथ भी हम जो कंफर्ट ढूंढ रहे हैं वो किस स्तर पे ढूंढ रहे हैं, कि कोई अनुकूल संवेदना है वो बनी रहे, कोई अनुकूल भाव मिल रहे हैं दूसरों से बने रहे, या अपनी समझ और भाव के साथ हम अपने आप में कंफर्टेबल रहें। जी, तो अपने अपने साथ कंफर्टेबल होने में जो लगने वाला समय है, और मतलब तब तक मतलब वही ज्यादा बड़ा मुद्दा ये लग रहा है कि दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहने हैं रह रहे हैं तो तब तक अपने पे ध्यान नहीं जाता, और अपने पे ध्यान तब जाता है कि जब दूसरे के साथ हम कंफर्टेबल हो जाते हैं तब लगता है कि हमने भी कोई गलती करी होगी, हमने भी कुछ गलत सोचा होगा। तो जो जी तो लगने वाला जो समय है, जैसे अपने अपने साथ एनालिसिस मतलब अपने साथ ठीक होने में जो लगने वाला समय है तब तक मतलब पिटते ही रहना है बाहरी उससे? भैया मूल बात क्या होता है ना कि समझ और भाव के अभाव में या उसकी पूर्णता के अभाव में जी तो अपने साथ कभी कंफर्टेबल होते ही नहीं है पूरी तरह से। जी जी और हमारे अंदर मान्यताओं का या संवेदनाओं का दबाव बना रहता है, उसी के साथ हम निर्णय लेते रहते हैं क्योंकि हमें तो हर क्षण निर्वाह करना ही है। ठीक है, और जो निर्णय लेते हैं उसमें चूक होती रहती है, उसी चूक के आधार पर हमारे संबंध तय हो जाते हैं, हमारी भागीदारी तय हो जाती है और फिर एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अब हम उस जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए भी थकते हैं और उस जिम्मेदारी को हम मना भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर अगले व्यक्ति को इतनी बातें दिखाई नहीं देती है ना। अगले व्यक्ति को लगता है कि आपकी जिम्मेदारी आपको पूरा करना चाहिए। हमने वो जो जिम्मेदारी स्वीकार ली उसके पहले जो हमने निर्णय लिए उसका हम पूरा मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, तो अगला व्यक्ति को लगता है कि मैं अपनी जगह तो ठीक हूँ, अगले व्यक्ति के मतलब उनको लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी है आपको पूरी करनी चाहिए। जी, आपको दिख रहा है कि ये जो जिम्मेदारी मान ली गई है ये सही जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप उसको जाकर जब डिस्कशन करने जाते हैं तो उस संबंध का इतिहास खड़ा होता है ना, कि इस संबंध में ऐसे ऐसे निर्णय इसी समय क्यों लिए गए, फिर ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। तो फिर हम अपने आप में बहुत परेशान हो जाते हैं फिर। ठीक, तो इसमें देखिए अभी तो ये है कि हर संबंध का अपना एक इतिहास होता है, तो अभी इस क्षण में हम ये तो तय कर सकते हैं अपने आप में कि आगे अब मेरी क्या भागीदारी होने वाली है, आगे मुझे अब किस प्रकार से निर्णय लेने हैं। और ये बात हम संबंध पर दूसरे को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कि भाई समझने में समय लगता है ना, हमने भी पूरी तरह से समझा नहीं था, और आप भी हमारे साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं समझ और भाव के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर नहीं। तो उसको यदि दूसरे व्यक्ति सहयोग कर पाता है तब तो काम आसान है, तो हम एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं जी। एक दूसरे की समझ को बढ़ाने में। अगर दूसरा व्यक्ति सहमत नहीं हो पाता है तो हमारा काम थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें दूसरे का सहयोगी बने रहना है प्लस दूसरे की जो अमानवीयता है उसको भी है ना उसके साथ अपने आप को नियंत्रित ये रखना है ना, आराम में रहना है। तो
सो कई बार मानवीयता को नियंत्रित भी करना पड़ता है, उसके लिए विचार भी करना पड़ता है। जी तो किसी भी संबंध में देखें तो डायनामिक्स इतना ही है, या तो हम साथ साथ समझकर सुखी होने के लिए एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, या हम अपने आप में काम शुरू करते हैं और फिर दूसरे की जो नासमझी है उसके साथ हम रास्ता निकालते रहते हैं, कभी नियंत्रित करते हैं, कभी प्रस्ताव पूर्वक अपनी बात रखते हैं, और ऐसा चलता रहता है। इस पूरे क्रम में जो मौलिक बात है वो ये है कि यदि हमारे अंदर जांच परख ठीक से चल रही है, जी हमें प्रस्ताव क्लियर है, हम अपने प्रति सजग हैं, अपने भाव के प्रति और उसके परिमार्जन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो रास्ता निकालने वाला काम है ये सरल हो जाता है। फिर हम ब्रॉड सेंस में चीजों को देख पाते हैं, तो हम संबंध को भी परिभाषित कर पाते हैं होलिस्टिक सेंस में, व्यवस्था को भी परिभाषित कर पाते हैं होलिस्टिक सेंस में। अदरवाइज हम गिने चुने कुछ संबंधों में ही तृप्ति के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाए रखते हैं और फिर भी तृप्ति नहीं होती। जो छोटी सी एक व्यवस्था को हमने स्वीकार लिया है, जिसको हमने संपूर्ण मान लिया, उसको बनाए रखने में हम थकते रहते हैं। अदरवाइज हमें संबंध है ना हर माया के साथ, यानी हर मानव के साथ दिखाई देता है, व्यवस्था पूरे विश्व की दिखाई देती है और उसमें हम काम करते रहते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय लेते रहते हैं। देखिए इसमें एक बात तो ये महत्वपूर्ण है कि अगले व्यक्ति का अधिक से अधिक आप ध्यान आकर्षण करा सकते हैं, वो चलेगा तो अपने तरीके से ठीक, और हर व्यक्ति को चलने में अपना समय लगता है, ये अगर हम देखें तो हमें भी लगता है, तो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से समय लगता है, तो उसको उतना समय देना बनता है और उसकी जितनी योग्यता है उसके आधार पर अपनी भागीदारी तय करना बनता है। तो परिवार के बाहर यदि ज्यादा लोग योग्य हैं और उनके साथ सार्थक काम हो सकता है, तो वहां पे हम ज्यादा समय और प्रयास लगा सकते हैं, परिवार के भीतर हम थोड़ा लिमिटेड लगा सकते हैं। तो ये जो अपने आप में स्पष्ट होना है और संबंध के फैलाव को देख पाना है, इससे हमारा काम सरल हो जाता है, फिर हम कंफर्टेबल भी रहते हैं। होता यह है कि हम जैसे अपने आप में भाव को देखने जाते हैं, अपने प्रति सजग होने जाते हैं, तो ये बहुत सारे विचार घेरने लगते हैं और हम उसमें बंध जाते हैं या बहने लगते हैं, क्योंकि मूल रूप से क्लैरिटी नहीं है, समाधान नहीं है हमारे पास कि अल्टीमेटली सुखपूर्वक जीने का स्वरूप क्या होगा, जहां हम खड़े हैं वहां से है ना। तो उस पर थोड़ा सा ठीक से अगर काम कर लिया जाए तो फिर आगे का कार्यक्रम स्पष्ट होने लगता है। जी। और ये अपने को दिखाई देगा ना कि जब तक हमारे में व्यवस्था की समझ ना हो, संबंध की स्पष्टता ना हो, अस्तित्व का ज्ञान ना हो, तब तक तो अपने आप में हम पूरी तरह से कंफर्टेबल होते ही नहीं है। जी जी जी। इसमें भी जैसे अभी जो दीदी ने ध्यान करने के लिए समय दिया था, तो मैं भी बैठा हूँ, मुझे थोड़ा समय का ध्यान दे रहा, तो होता ये है अगर उसका स्पष्ट रूप से देखें तो पता लगेगा कि दो प्रकार से हम सोच सकते हैं। एक तो कहीं आशा अनुकूल घटनाएं ना हो तो उसके कारण क्या स्थिति परिस्थिति होगी, उसको हम कई बार कल्पना चिंता में ले जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर है ना बहुत सारे विचार तैयार होते हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मेरी सही भागीदारी क्या हो, हम उस अर्थ में विचार करें, तो अपेक्षा अनुसार कुछ घटित ना हो और उसके कारण जो मुझे करना है उसको लेकर विचार करना है मूल रूप से, या उस परिस्थिति में अपनी भागीदारी को तय करने के लिए मुझे अपना कार्यक्रम तय करना है, हम किस दिशा में सोच रहे हैं। तो एक स्थिति में आप पाएंगे कि हम आराम में नहीं रहते हैं क्योंकि अपेक्षा अनुकूल चीजें नहीं घटित हो रही हैं और फिर हमें अपने तय नहीं करना बन रहा है। दूसरी स्थिति में हमको पता लगता है कि अगले व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसका हम सम्यक मूल्यांकन कर पाते हैं, उसके अनुसार अपनी भागीदारी को हर बार तय करते हैं। जी जी भैया, जी जी भैया, ठीक है भैया, बढ़िया बढ़िया भैया जी भैया, नमस्ते भैया जी, नमस्ते भैया। अभी जो डिस्कस हो रहा था एग्जैक्टली सेम सिचुएशन मेरे घर में चल रहा है, तो बीवी और बच्चे जिद पे अड़े हैं कि हमको टूर जाना ही है, तो सभी बच्चे जा रहे हैं, हम भी जाना ही है, तो इधर सिचुएशन है कि ऑफिस से छुट्टी कैसे निकालो और बच्चे का स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा है, ये एकदम जिद पे अड़े है। तो मुझे
मुझे दिख रहा है कि ये सिर्फ संवेदनाएं हैं, एक प्लेस से अनदर प्लेस, और इट इज जस्ट जो नेगेटिव फीलिंग, जो फीलिंग अपने अंदर कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको उससे एस्केप होने का ही काम चल रहा है। तो इनको समझने के लिए समय लगेगा। तो यही विचार में मैं भी डिस्टर्ब था, तो मैं देखा आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब, और मुझे वो कंटिन्यू भी नहीं करना था फीलिंग। तो मैं अपने अंदर भी देखा कि उस समय मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी था और रिएक्शन भी कर रहा था उनके साथ, और इमिडिएटली उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए मैंने फिर मोबाइल उठाया और फोटोज देखने लगा। तो ये ऐसे शिफ्टिंग चल रहा था अपने दिमाग में, दैट इज वन थिंग। और अभी जो मैंने घटना एक्सप्लेन किया तो उसको मैनेज किया गया, कैसे करेंगे भैया उसको सिचुएशन, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है कि जब हम डिस्टर्ब रहते हैं, यानी कंफ्लिक्टिंग थॉट्स जो रहते हैं, तो उससे बाहर आने के लिए कुछ संवेदना की ट्राई करते हैं, जैसे कुछ खा लिया, कुछ पी लिया वहां से एस्केप होने के लिए, या कुछ खुशी पाने के लिए टेम्पररी एक्साइटमेंट, अननोइंगली हम लोग करते रहते हैं। और दूसरा जी क्वेश्चन है, जब ऑलरेडी हम लोग वी आर इन कंफर्टेबल और या हैप्पीनेस में रहते, स्टिल हम लोग अरे यार आज बहुत खुश है, कुछ खा लेंगे अच्छे से, कुछ पी लेंगे अच्छे से, तो स्टिल ऐसे सिचुएशन में हम लोग ऐसे ही डिसीजन लेते। तो भैया इसको थोड़ा मुझे क्लैरिफाई चाहिए। थैंक यू भैया। जी तो जो पहला प्रश्न है उस पे ही तोमर भैया के प्रश्न में मैं बात कह रहा था। तो हाँ एक तो हमें परिवार के सदस्यों के साथ अपनी भागीदारी को तय करना जरूरी है। तो या तो हम अभी जो स्थिति बन गई कि बच्चों ने जिद पकड़ ली है और अब मुझे क्या करना है ना, या तो उसको लेकर हम विचार करते रहते हैं और फिर उसमें अपने को दिखता है कि ये तो बहुत सार्थक कार्यक्रम नहीं होगा, ठीक है ना, और उसका हमें एक दबाव भी महसूस हो रहा है। दूसरी संभावना है कि बच्चों के साथ सार्थक कार्यक्रम क्या होगा, हम इसको अपने आप में इमेजिंग करें, उसको चित्रित करें, उसका विश्लेषण करें, उसके आधार पर योजना कार्यक्रम बनाएं। तो अभी ज्यादा समय हमें इस चीज में लग जाता है कि एक जो परस्परता का दबाव बन गया है उससे बाहर कैसे निकले। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि इस परस्परता में मेरी सार्थक भागीदारी क्या होगी, उसको हम चित्रित करें और उसको दूसरों तक पहुंचाएं। और उसमें चूंकि संबंध का अपना एक इतिहास है, तो हो सकता है अभी आपका ध्यान गया है, इससे पहले छुट्टियों में हम इसी तरह का प्रोग्राम बनाते रहे हैं, तो उसका करेक्ट बच्चे को करेक्ट उनका अभ्यास हो करेक्ट गया, कंडीशनिंग हो गई है, तो इस इतिहास के आधार पर जो संबंधों का इतिहास रहा है ना, तो अगला व्यक्ति तो वहीं से देखना शुरू करता है, परिवार वहीं से देखता है कि पहले तो ये सब चीजें होती थी, हम लोग छुट्टियां मिलती थी, घूमने जाते थे, है ना, और इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते थे। अब आप में शिफ्टिंग हो रही है, अभी उनमें तो शिफ्टिंग नहीं हो रही है, तो इसमें मतलब एक ग्रेजुअली ही आगे बढ़ना बनता है। इसको आप जितना एक्सप्लेन कर सके उतना एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर लगता है कि उस बिल्कुल उनके अनुसार योजना बनाने से कुछ समस्याएं निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे का एग्जाम छूट जाएगा, या आपको किसी कॉलेज के ऐसे समय छुट्टी लेना पड़ेगा जिससे मैनेजमेंट नाराज हो सकता है, आदि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हो, तो फिर मना कर सकते हैं कि इस समय तो नहीं जा पाएंगे। बट साथ में ही हमें धीरे धीरे उनको तैयार करना होगा कि छुट्टी को सही ढंग से बिताने का सही तरीका क्या होगा, और हम पहले जो हम लोग छुट्टियों पर गए हैं उसका भी मूल्यांकन करेंगे कि देखो छुट्टियों में गए थे और क्या क्या हुआ, मतलब उसमें जो खुशी मिली वो तो लिमिटेड टाइम के लिए मिली, उसमें हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी तो हुई नहीं, एक्साइटमेंट का एक फेज रहा। कई बार होता है कि हम बाहर घूमने जाते हैं, खाते पीते हैं, पेट खराब हो जाता है, ठंडी जगह पे चले गए, जुकाम बुखार हो गया, आए तबीयत खराब हो गई, ठीक गए कुछ मिस हैपनिंग हो गया, तो उन सब चीजों को भी हम ध्यान में ले आए कि अल्टीमेटली हम वहां जा रहे हैं क्यों, हैप्पीनेस को इंश्योर करने के लिए। तो हम अपने आप में अभी हैप्पी क्यों नहीं है, अभी हम सुख में क्यों नहीं है, हमको सुख के लिए बाहर क्यों भागना पड़ रहा है, इन सब बातों को ध्यान में लाएंगे तो हो सकता है कि परिवार का हर सदस्य चीज को ना देख पाए, बट कोई ना कोई सदस्य होता है जो उस चीज को समझने लगता है कि हम बात तो ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अभी हम सुखी होने के लिए दो तरह से प्रयास करते हैं, या तो बाहर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए,
ये जो हम लोग घूमने फिरने जाते हैं उसमें एक मेजर फैक्टर ये होता है, ठीक है ना। या जब शादी ब्याह का सेलिब्रेशन वगैरह होता है और उसमें हम जब जाते हैं तो उसमें होता है कि दूसरे से अनुकूल भाव मिल जाए। तो अभी हम इन दो जगहों में फंसे रहते हैं, इसमें हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी नहीं है। तो हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी कहाँ होगी उसको तय करते हैं, उसको बैठ कर डिस्कस करते हैं। तो इतना जरूर होगा कि हो सकता है अभी तो उनकी इच्छा बन गई है और आपको उसको पूरा करना पड़े, बट अगर आप इसको एक नॉर्मल रूटीन में ले आएंगे कि जब भी हमें कोई निर्णय लेना होगा तो हम ये तय करेंगे कि उस इच्छा का स्रोत क्या है, संवेदना है, मान्यता है, या हमारी अपनी सहज स्वीकृति है, वहां से तय करेंगे। तो धीरे धीरे उसका जो दबाव है परस्परता में वो भी कम होगा और उनका भी ध्यान आकर्षण होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है, उस विधि से चल सकते हैं। तो धीरे धीरे से करना पड़ेगा, उसको चित्रित भी करना है। चित्र यानी उसको पूरा जो सिचुएशन है हम लोग उसको सामने लाना पड़ेगा, ठीक है ना। चित्रित का कि नहीं, इमेजिंग करते हैं कि अल्टीमेटली एक मतलब फैमिली में हैप्पीली साथ साथ रहने का स्वरूप क्या होगा, उसको देखते हैं, है ना, उसको अपने आप में तय करते हैं, उस पे हम एक सीरियस थॉट देते हैं, तो हम अपने आप में उसको क्लैरिटी गेन करते हैं। जी, सुखपूर्वक जीने का स्वरूप क्या होगा उसको शेयर करते हैं और धीरे धीरे उसको एक रूटीन बना सकते हैं। जब भी बातचीत होती है तब तो उस बात को केंद्र में ला सकते हैं कि देखो मूल मुद्दा ये है, तो उसे आप पाएंगे कि परिवार भी चीज को समझ पाता है। और कभी घूम के आए, फिर के आए, और फिर हम उसका मूल्यांकन करेंगे अल्टीमेटली उसका क्या अचीवमेंट हुआ कि नहीं, उससे रिलेशनशिप हमारे बेहतर हुए या वर्स हो गए। बहुत सारा मिसहैपनिंग भी कई बार होता रहता है, ये हर साल न्यूज आता है कि लोग पहाड़ों में गए घूमने के लिए, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पे बर्फबारी हो गई, कहीं पे है ना एक्सीडेंट हो गया, और दुर्घटनाओं की न्यूज आती रहती है। तो एक तो उसका भय भी बना रहता है, अभी वो गुजरात हाँ में वो ब्रिज करेक्ट, टूट गया है ना, ब्रिज टूट गया, कितने लोगों को हताहत हो गए। तो यदि हम अपने आप में सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम नहीं तय कर पाते तो हमारा सुख बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट रहता है और उसमें कई बार दुख शामिल हो जाता है सुख के बजाय। ये तो मैं देखता हूँ कि मोर ऑफन देन नॉट ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो क्यों ना निरंतर सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम बनाया जाए बजाय इससे कि कुछ घटनाओं से सुखी होने का काम किया जाए। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। जी, और हम उसके एक अल्टरनेटिव तरीके भी तय कर सकते हैं कि अगर हमें छुट्टी मिल रही है तो उसका एक और तरीका है कि हम परिवार सहित रीजनल कॉन्फ्रेंस में जाएं, वॉलंटियर्स मीट में जाएं। अभी हम लोगों ने कानपुर में मीटिंग की 25, 26, 27, और परिवार सहित लोग आए और सबको अच्छा लगा, पूरे परिवार को अच्छा लगा, ठीक है ना। तो ये भी एक ऑप्शन है, इसको हम एक्सप्लोर करें, इसको कभी परिवार के साथ हम जाएं ऐसे अवसरों पे, और आप देखेंगे परिवार इसको अप्रिशिएट कर पाता है। क्या है, उनका एक्सपोजर ही ना हो इस तरह के गेट टुगेदर्स का, इस तरह की मीटिंग्स का, है ना, कि ऐसी बातें भी हो सकती हैं, ऐसे परिवार आपस में जुड़ सकते हैं। अभी परिवार आपस में जुड़ते भी हैं तो सुविधाओं को लेकर, संवेदनाओं को लेकर, एग्जैक्टली वही मान्यताओं को लेकर है, जाकर रिसर्च बातचीत होती है, समझ भाव को लेकर बात ही नहीं होती। इधर भी नहीं होती है मोस्ट ऑफ द जी, टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे विकल्प भी हैं, इस पे हम परिवार को भी साथ लेके चले और ध्यान दिलाएं कि देखो ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है। देखिए, सहज स्वीकृति तो सबकी ठीक ही होती है ना, कंडीशनिंग गलत हो जाती है, अदरवाइज जाती है, बहुत सारी चीजें अनएक्सप्लोर्ड रहती है। रिलेशनशिप में आप पाएंगे कि लोगों का ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, ये भी सुखपूर्वक जीने का तरीका हो सकता है। तो जैसे कॉमन सी कंडीशनिंग, भाई छुट्टी हुई तो बाहर निकलो, घूमो फिरो, है ना, मौज मस्ती करो, खाओ पियो, हाँ यही तो है, यही चल रहा है लौट के एक्चुअली। आके। जी प्रैक्टिस जी तो उस पूरे प्रोग्राम के साथ सुखी हुए कि नहीं वो भी एक बात है, लौट के आके ज्यादा सुखी रहे या और दुखी हो गए, है ना, ये भी एक मुद्दा है। ऑलरेडी डिस्टर्ब है, कुछ कंफ्लिक्टिंग थॉट चल रहे हैं, तो डेफिनेटली अनोइंगली पहले हम लोग कुछ वहां से बाहर आने के लिए कुछ सुख के लिए कुछ खाए या कुछ पिए, कुछ गए वही करते थे। दैट इज वन पार्ट वो दिख रहा है। अब इवन मुझे दूसरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जब हम खुश रहते हैं स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू अनवांटेड थिंग्स, लाइक कुछ चलो यार खुश आज कुछ पार्टी बनाएंगे, आज खुश है बहुत, कुछ खा लेंगे पी लेंगे कुछ घूमेंगे, इवन वेन यू आर हैप्पी ऑल्सो, ये क्यों होता है थोड़ा इसके ऊपर आपका?
वही अभी हमें ये नहीं दिखता कि सुख का जो स्रोत है वो सही समझ सही भाव भी हो सकता है। जब हम दुखी होते हैं तो दुख से बाहर निकलने के लिए हम संवेदनाओं की तरफ दौड़ते हैं। जब क्षणिक रूप से सुखी होते हैं तो होता क्या, कोई अनुकूल संवेदना मिल गई या कोई अनुकूल भाव मिल गया दूसरे से, कोई ऐसी सूचना मिल गई कि अब क्या करें, तो फिर हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, फिर हम बाहर की ओर भागते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी हमारा पूरा ध्यान बाहर ही रहता है। तो जब दुखी होते हैं तो दुख को कम करने के लिए बाहर भागते हैं, क्षणिक रूप से जब सुखी होते हैं तो उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए बाहर भागते हैं। तो अपने अंदर यदि समझ की स्पष्टता समझ ना हो, है ना, संबंध की स्पष्टता ना हो, अपने ऊपर काम ठीक से ना कर रहे हो, तो हमको लगता है सुख तो बाहर ही है। तो ये हर व्यक्ति यहीं से शुरू करता है लगभग लगभग, ना, धीरे धीरे हम अपने आप में स्थापित होने लगते हैं, हमारे अंदर सही भाव स्थापित होने लगता है। तो ये जो क्रम है वो तो रहेगा, ठीक, धीरे धीरे उसमें इंटेंसिटी कम होती है, उसका जो एक कंपल्शन है, जो दबाव है वो कम होने लगता है, इतना होता है। भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। आपने नमस्ते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और ये चीज लगातार हम स्वयं में भी देख रहे हैं और जहां तक हम दूसरे को देख पा रहे हैं, तो जब मेरे अंदर दुख चल रहा होता है तो मैं संवेदनाओं की ओर भागता हूँ। लोगों में इस प्रकार की स्थिरता बनना शुरू हो गई है कि काम मुझ में होना है, मेरे अंदर जो बार बार दुख चल रहा है किसी भी घटना को याद करके कल्पनाशीलता में मुझे इसे देखना है, तो एक अच्छा, तो मैं अपने में भी जो चीज देख पा रहा हूँ कि मेरा विरोध धीरे धीरे कम हो रहा है, वैसे ही अब मैं दूसरे में भी देख पा रहा हूँ। और ये जो संवेदनाओं की ओर बार बार भागने का जो काकम है, जैसे मैं अपने में भी देखूं कि जहां जो मैं इधर उधर भागता था अब स्थिर होकर और एक काकम बनाने की ओर कि भाई अच्छा कैसे हो जाए, मैं और गहराई में कैसे चले जाऊं, मैं मेरे को अपने को समझने में अब एक जो आनंद जैसा या जो अच्छापन महसूस होने लगा है वो बांटने में भी अब एक अपने में अच्छापन महसूस करता हूं। तो Step 3 पे हम लोग अपने स्थिति का स्वमूल्यांकन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इस भाव के साथ मैं स्वयं में आराम हूँ या परेशान हूँ, मैं स्वयं में संगीत में हूँ या अंतर विरोध में हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ, और इसके हम कई उदाहरण ले सकते हैं, है ना। तो ये अपने आप में देखना है। इनफैक्ट इसको ठीक से देखिए कि इन जनरल हम अपने आप में आराम में रहते हैं या परेशान रहते हैं, और इसको अगर आप आराम की स्थिति को संवेदनाओं से संवेदनाओं के आधार पर ना देखें या दूसरे से अनुकूल भाव पाकर आराम पाने के रूप में ना देखें, अपने आप की स्थिति के रूप में देखें, तब आपको पता लगेगा कि चूंकि हमें सही भाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है, सही समझ सुनिश्चित नहीं हुआ रहता है, तो इन जनरल हम आराम में होते भी नहीं है, ना, उसको बस ढूंढ रहे होते हैं। तो इसको ठीक से अपने आप में पहचानने की जरूरत है, स्वीकारने की जरूरत है। और हमें दिखता है कि फिर दूसरा व्यक्ति भी ऐसी स्थिति में है, वो भी अपने आप में आराम में नहीं है। तो हम जब दो लोग साथ साथ रह रहे हैं तो मैं ना अपने आप में आराम में हूँ ना दूसरा व्यक्ति अपने आप में आराम में है, तो संबंधों में कठिनाई तो होगी, है ना। तो अभी जो संबंधों में घटनाएं होती रहती हैं उसकी आपको पहले से ही एक अनुमान बना रहता है कि ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि अगर मैं अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, दूसरा व्यक्ति अपने साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो साथ साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि मैं अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं बाहर से कुछ अनुकूल पाकर सुखी होने में लगा हुआ हूँ, दूसरा भी कंफर्टेबल नहीं है तो बाहर से कुछ अनुकूल पाकर सुखी होने में लगा हुआ है, मैं उसकी अनुकूलता को पूरा कर रहा हूँ, वो मेरी अनुकूलता को पूरा कर रहा है, तो लगता है संबंध बढ़िया चल रहा है कि नहीं। तो आमतौर पर ऐसा ही होता है कि अगर देखें तो संबंध ठीक भी चल रहे होते तो होता ही है कि एक दूसरे की अनुकूलता को हम पूरा कर रहे होते हैं, परंतु अपने आप में ना हम आराम में होते ना दूसरा के आराम में होता है, क्योंकि समझ के लिए ठीक से काम नहीं हुआ, सही भाव सुनिश्चित नहीं हुआ। ये आपको विश्लेषण पूर्वक भी दिखाई देगा, तो इस पे हम थोड़ा ठीक से और काम करें, काफी महत्वपूर्ण स्टेप है ये। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे में जो भाव रहता है उसी के आधार पर हमारे सुख दुख का निर्णय होता है। यदि मेरा भाव मुझे सहज स्वीकार है तो मैं संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, और यदि मेरा भाव मुझे सहज स्वीकार नहीं है तो मैं अंतर विरोध में रहता हूँ, दुखी रहता हूँ।
तो सहज भाव के साथ मैं सुखी रहता हूँ, असहज भाव के साथ मैं दुखी रहता हूँ। हमें इस अभ्यास को हर क्षण करना है कि नहीं, ये काफी गंभीर मुद्दा है। तो ये देखना है कि मैं अपने भाव के साथ सहज हूं कि नहीं। मेरा भाव मेरा ही निर्णय है और मैं उस भाव के साथ अपने आप में सहज हूं कि नहीं। इस अभ्यास को हर क्षण करने की जरूरत है। हम लोग ऐसा करते हैं, अभी 10 मिनट का समय लेते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, है ना। अपने को देखना है कि मेरी अपने आप में स्थिति क्या है, सहज है या असहज है, ठीक है ना। इस चीज को देखना है और जैसा दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ अभी तो ऐसा ही है, आगे इस पे काम करेंगे। उससे उलझना नहीं है, जूझना नहीं है ना, ब्लेम नहीं करना है ना अपने को ना दूसरे को। उसको देखना है कि हाँ अभी स्थिति क्या है मेरी, सहज है कि असहज है। जो भाव है मेरे अंदर वो सहज स्वीकार है कि नहीं है। तो भैया इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई शेयरिंग हो, तो रख सकते हैं उसको। तो हमें अपने भाव के प्रति सजग बने रहना है। उसमें स्टेप वन पे तो अभी हो सकता है बहुत सारा काम शेष हो। जनरली हम विचार तक ही पहुंच पाते हैं और कई बार हम विचार को भी ठीक से देखते नहीं, उसमें बहने लगते हैं। तो विचार को ठीक से देख पाए, विचार के पीछे भाव को ठीक से देख पाए, तभी हम जाकर भाव में परिमार्जन के लिए काम कर पाएंगे। और भाव को जैसे आप देखने जाते हैं तो भाव हमें सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, इसका भी आकलन होने लगता है। और फिर उसका पूरी स्थिति को देख सकते हैं, अभी मैं इस क्षण अपने आप में आराम में हूँ या नहीं। अपने भाव विचार के साथ एक बार लगे कि नहीं हूँ तो फिर उसके आगे काम करेंगे कि अल्टीमेटली आराम में कैसे रहूं, कैसे मेरी अपनी स्थिति सुखद हो। नमस्ते भैया, एक शेयरिंग है। सबसे पहले तो भैया कृतज्ञता के भाव है आपके प्रति, भानु प्रताप जी के प्रति, और आगीवाल साहब और कनीराजा जी जिन्होंने मुझे इस विद्या से जोड़ा है, और आपके प्रति भैया की वेडिंग एनिवर्सरी को लेके मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, और जिस तरह से आपने मार्गदर्शन किया है तो कल मैंने वो सेलिब्रेट किया, और इसमें काफी कुछ आपके मार्गदर्शन के हिसाब से करने की कोशिश की और उसके परिणाम तो आपसे शेयर कर रहा हूँ भैया। बिना किसी आडंबर, बिना किसी शो, पंप एंड शो की मैंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, और परिवार की पूरी भागीदारी, मित्रों की भागीदारी, और बहुत स्नेहपूर्वक उनके इनविटेशन, सम्मान, विश्वास और स्नेह को बरकरार रखते हुए जब पूरा प्रोसेस किया भैया, तो मैं मतलब सोच भी नहीं सकते हैं उतने एक्सपेंसेस में इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है, जिसमें मैंने भोजन व्यवस्था पर भी समझ पूर्वक ध्यान दिया और सबके इन्वॉल्वमेंट पर, भागीदारी पर भी ध्यान दिया। और गहराई में भैया सबसे अच्छी बात जो मैंने ऑब्जर्व की कि पूरे प्रोग्राम में मैं अपने भावों को और विचारों को काफी हद तक देख पा रहा था, जहाँ पे विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव थे, तो उसका परिणाम बाकी तो सब तरफ से भी वैसा ही मिल रहा था। और जब शाम को मैंने बैठ के आपसे चर्चा भी हुई थी कि पत्नी और बच्ची हैं तो उनका सोच बिल्कुल थोड़ा सा अलग है प्रोग्राम को लेकर के, तो मैंने एक बेसिक सेटअप करके मैंने बच्ची को बोल दिया कि बेटा इसमें जो आप चेंज कर सकते हो इसमें चेंज कर लो, बाकी मेजर चेंज नहीं होगा। उन्होंने छोटा मोटा उसमें जो भी किया, फिर शाम को जब बैठ के मूल्यांकन की बात आई तो दोनों ने बहुत आगे होके बात की कि जो आप बोल रहे थे कि इनके लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, और बात है कि भागीदारी की है, परिवार मित्र भागीदारी में हो, हम भी उनके साथ भागीदारी में हो, तो ये जो चीजें हैं भैया। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को सीखने को मिली है कि इंटेंशन सबके बहुत अच्छे हैं और पॉजिटिव होते हैं, हमारे सुख के बारे में सोचते हैं और हम भी उनके सुख के बारे में सोचते हैं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत योग्यता की बात होती है, कई बार योग्यता नहीं भैया परिस्थिति की बात भी होती है। तो मैंने जैसे इस प्रोग्राम में मेरे कुछ एक दो अजीज मित्र भी थे, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो जनरली मेरे को अंदर विरोध के भाव आते थे या ऐसा था कि उसने जानबूझ के किया, लेकिन इस पर बिल्कुल वो चीज आई नहीं भैया, क्योंकि उनके प्रति विश्वास, स्नेह और सम्मान बिल्कुल बरकरार था पूरे टाइम, तो ऐसा लगा कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति है। तो ओवरऑल पूरे परिवार का भी और मेरे पत्नी और बच्ची का भी सबका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, और ये पूरी बात समझने में आई कि काम तो अपने ऊपर ही होना भैया पूरी तरह से। बहुत ही बढ़िया भैया, इनफैक्ट अगर आप इसको लिख पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि मैरिज एनिवर्सरी के लिए आपने इस तरह से मूल्यांकन किया, विचार किया, और इस तरह से फिर उसका पूरा निर्वाह हुआ और ऐसे फल परिणाम आए,
और काफी सुखद रहा, तो काफी अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया भैया, बधाई आपको। मान लीजिए कि आप एक वातानुकूलित कमरे में बैठे हैं, किस डिग्री तापमान में बैठे हैं, शारीरिक स्तर पर बहुत ही आरामदेह स्थिति है। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसके प्रति आपके अंदर विरोध का भाव है, तो इस भाव के साथ आप देखें कि आप स्वयं में आराम में रहते हैं या परेशान रहते हैं, संगीत में रहते हैं या अंतर विरोध में रहते हैं, सुखी रहते हैं या दुखी रहते हैं। यदि प्रारंभ में आप अपनी कल्पनाशीलता को उस क्षण नहीं देख पाते हैं जब घटना घट रही होती है, अभी आप में यह योग्यता विकसित न हुई हो, इस स्थिति में आप उस घटना के बारे में बाद में विचार करके, विश्लेषण करके अपने भाव को समझ सकते हैं। एक बार आप कल्पनाशीलता को सीधे सीधे देखने की योग्यता विकसित कर लेंगे, तब आप अपनी कल्पनाशीलता के पीछे के भाव को भी उस समय देख पाएंगे जब घटना घट रही होगी। तो अभी क्या होता है कि कई बार हमको लगता है कि आराम में होने के लिए, सुखद स्थिति में होने के लिए बाहर की परिस्थितियों को बदलने की जरूरत है, अनुकूल वातावरण बन जाए, है ना, अनुकूल तापमान में बैठे हो, अनुकूल सुविधाएं आसपास हो। परंतु यदि हम देखें तो अगर हम अपने आप में आराम में नहीं है, तो बाहर की भले ही जितनी भी अनुकूलता बनाए, या तो हम आराम में नहीं रहते हैं या फिर उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है अगर हम क्षणिक रूप से आराम पाते भी हैं। तो यही, जैसे अगर हमने कोई एसी चलाया और 21 डिग्री टेम्परेचर उसमें मेंटेन भी कर लिया, परंतु जिसके साथ बैठे हैं उसके साथ हमारे अंदर विरोध का भाव है, तो हमको आराम नहीं मिलता अपने आप में। हम उसी कमरे में बैठे हो, ये उदाहरण कई बार हम लोग वर्कशॉप में भी दिया करते हैं, 21 डिग्री तापमान है ना, गद्देदार सोफा है, चारों तरफ कमरे में चकमकाती चीजें हैं, परंतु बैठे बैठे हम उसी व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं जिसके प्रति हमारे अंदर विरोध का भाव है, तो भी हम अपने आप में आराम नहीं पाते। तो होता क्या है कि जब हम अपने आप में आराम में नहीं रहते हैं, तो कई बार हम बाहर की चीजों को बदलने का प्रयास करते हैं, जो अभी बात भी हो रही थी कि हम अनुकूल संवेदना पाने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम अपने आप में आराम में नहीं है तो परेशान है, परेशान है तो परेशानी से निकलने के लिए हम कुछ बाहर भागते हैं अनुकूलता बटोरने के लिए, और कभी हम क्षणिक उसे आराम भी पाते हैं तो कैसे उसको बनाए रखें, इसके लिए फिर हम बाहर भागते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। हमको एक बार ये दिखने लगे कि अल्टीमेटली मुद्दा तो अपने आप में आराम पाने का है, उसी कॉन्टिन्यूटी का है, तो फिर हम बाहर की परिस्थितियों का ठीक से मूल्यांकन कर पाते हैं, उसमें अपनी भागीदारी को तय कर पाते हैं, सुविधाओं का सदुपयोग भी कर पाते हैं। नहीं तो हम इसी में लगे रह जाते हैं, पूरी शरीर यात्रा निकल जाती है, हम अपने लिए अनुकूल संवेदनाएं जुटाने में, अनुकूल परिस्थितियां बनाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण काम ये है कि अभी हम दिन में समय लगाएं, हर 4 घंटे पे बैठ सकें तो बहुत ही अच्छा, उस समय जो कुछ चल रहा है उसको भी देखें, उस समय क्या भाव है मेरे अंदर, उसके साथ मैं आराम में हूँ या नहीं, भाव मुझे सहज से स्वीकार है कि नहीं। और ये भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा रिकलेक्ट करके, जो पास्ट में हमने समय लगाया पिछले 4 घंटों में जिस तरह से हमारा समय बीता, उसको भी हम देखें, है ना। कई बार आपको लगेगा कि मैं आराम में नहीं हूँ, है ना, बट क्यों आराम में नहीं हूँ पता नहीं लगता आपको, उसको धीरे धीरे ट्रेस करते हैं ना तो पता लगता है। फिर आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखाई देगा, फिर उस सीक्वेंस के भी भीतर कई सारे सीक्वेंसेस दिखाई देंगे, तो चेन ऑफ थॉट्स है, उन थॉट्स के बीच में भी, दो थॉट्स के बीच में भी थॉट दिखाई देगा आपको, दिखाई देगा थॉट्स कैसे फ्लो करते रहे हैं पिछले 4 घंटे में, कहाँ ध्यान दे रहे थे, फिर कहाँ ध्यान दिया, फिर कहाँ ध्यान दिया, फिर कैसे भाव क्या बना रहा, कैसे कैसे मेरे भाव बदलते रहे, और पूरे समय मैं आराम में रहा कि परेशान रहा, इस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस काम को हम करें, है ना, आज दिन भर का हम समय लगाएं, देखिए धीरे धीरे तो अपने को समझ में आने लगता है कि मुख्य मुद्दा तो स्वयं में विकास का ही है, बाकी सब कुछ उस अर्थ में है, मेरा भी स्वयं विकास हो जाए, मेरे संबंधी का स्वयं विकास हो जाए, परिवार के भीतर परिवार के बाहर अल्टीमेटली करने काम यही है, सेल्फ का डेवलपमेंट। तो इसको हम मुद्दा बनाते हैं अपनी लाइफ में कि ये मुख्य मुद्दा है, है ना। फिर अपनी लाइफ में अचीवमेंट और लॉस को भी यही देखते हैं, अल्टीमेटली सेल्फ में क्या अचीवमेंट हुआ या सेल्फ में हम कितना पीछे चले गए, मान्यताओं से ग्रस्त हो गए, संवेदनाओं पे निर्भर हो गए अपने सुख के लिए, तो लॉस हो गया, उसे उबर पाए तो अचीवमेंट है,
तो अनुकूलता बना ली हमने संवेदनाओं की, मान्यताओं की, है ना, दूसरों से पाने वाले भाव की, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तो है कि हम इससे कितना निवृत्त हुए, है ना, तो हम अपने अचीवमेंट को भी ठीक से मूल्यांकित कर पाते हैं। कुछ प्रश्न है इसको ले लेते हैं। ट्रस्ट जी, ट्रस्ट या यानी ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, ये हाँ ठीक बात है। तो ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, उसी को ट्रस्ट करें। इनफैक्ट उसको क्लैरिफाई करने के लिए कई बार हम दो शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, विश्वास और भरोसा। तो भरोसा को हिंदी मतलब इंग्लिश में कहें तो डिपेंडेबिलिटी, कि हम कितना डिपेंड कर पाते हैं। तो ठीक है, जो डिपेंडेबिलिटी है वो कॉम्पिटेंस पर डिपेंड करेगा कि अगले व्यक्ति में कितना कॉम्पिटेंस है। बट ट्रस्ट तो हमारे अंदर बना रहता है अगले व्यक्ति के इंटेंशन पे, अपने भी इंटेंशन पे, कि हाँ मैं तो हर क्षण दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है। सेल्फ और बॉडी में से सेल्फ को कैसे देख पाए? देखिए अभी उसी को कर रहे हैं। तो सेल्फ को देखने के क्रम में पहले हमने नीड्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक, अब एक्टिविटीज को देख रहे हैं। एक्टिविटीज में भी हम लोग वर्कशॉप में बहुत ही ब्रीफली चलते हैं कि सेल्फ की एक्टिविटीज इस प्रकार की, बॉडी की एक्टिविटीज इस प्रकार की। अब अभ्यास एक में जो सेल्फ की एक्टिविटीज हैं उसको फैला के देख रहे हैं, इसलिए डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन को अलग अलग देखने का अभ्यास किया। उसमें भी अब डिजायर में भी थोड़ा और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, भाव को देखने का प्रयास कर रहे हैं, उस भाव को भी और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सहज स्वीकार है कि नहीं, आराम में हूँ कि नहीं, है ना, और बारीकी से देख रहे हैं। फिर उसको और बारीकी से देख सकते हैं कि कौन सा भाव था ऐसा जो सहज स्वीकार था, कौन सा ऐसा भाव था जो सहज स्वीकार नहीं था, और बारीकी से देखेंगे कि जो सहज स्वीकार नहीं था वहां सहज स्वीकार क्या है। तो इसको देखते देखते एक तो मैं के ठीक ठीक होने का पता लगने लगता है, ठीक है ना, फिर मैं को एक इकाई के रूप में भी देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से शरीर से भिन्न एक वास्तविकता के रूप में भी देख सकते हैं। विवेक बाहर परिस्थिति जैसी भी है, अगर मुझमें व्यवस्था की समझ होती है, हारमोनी की अंडरस्टैंडिंग होती है, संबंध की स्पष्टता होती है, संबंध का भाव होता है, तो हम अपने आप में सहज रहते हैं, आराम में रहते हैं, नहीं तो परेशान होते हैं। एक बार हम अपने आप में आराम पाते हैं तो हम अपनी भागीदारी भी ठीक से तय कर पाते हैं। तो बाहर चाहे जितनी भी अव्यवस्था फैली हुई हो, मुझे अपना रोल क्लियर होता है, मुझे अपनी भागीदारी स्पष्ट होती है। तो गृह कार्य के रूप में देखें कि जब भी आप किसी से व्यवहार कर रहे हो तो देखें इस समय आपका भाव क्या है, क्या यह भाव आपको सहज से स्वीकार है कि नहीं, क्या आप इसी निरंतरता चाहते हैं या नहीं, इसमें आपकी स्थिति कैसी है, आराम में है या परेशान है। दिन भर में जितनी बार भी आपका व्यवहार हुआ उसे देखें कि कब आप परेशान होते हैं, कब आप आराम में होते हैं, आपके भाव कैसे कैसे बदलते रहते हैं, इसी को अपने आप में ऑब्जर्व करना है। तो एक तो व्यवहार के समय देख लें, जो व्यवहार हमने किया उस समय क्या स्थिति रही, और मूल रूप से अपनी स्थिति को देखते रहें, है ना। अब मुझे लगता है इतनी तैयारी अपनी हो जाएगी कि हम अपने आप को एक मैं के रूप में देख पाते हैं जो शरीर के साथ बना हुआ है। तो बहुत ही ग्रॉस लेवल पे देखें तब तो ठीक से पता ही नहीं चलता, फिर लगता है कि हाँ कुछ है जिसको मैं कह के संबोधित कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे अवेयरनेस अपने में बन जाएगी, पर बननी चाहिए कि मैं हूँ, शरीर के साथ हूँ, मेरे में सब कुछ चल रहा है, सहजता असहजता, भाव विचार, ठीक है ना, उसके साथ मेरा आराम में होना, परेशान होना, कि मैं एक गंभीर मुद्दा है, सारा सुख दुख इसी में है, सारी उपलब्धि इसी में है और सारा नुकसान भी इसी में है कि नहीं। मैं दुखी हुआ तो नुकसान हुआ, सुखी रहा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आराम में रहा। तो ये मुख्य मुद्दा है, मैं मेरे जीने के लिए एक मुख्य मुद्दा है, इसके प्रति सजग होना है, इसको ठीक से ऑब्जर्व करना है, इस पर अपने को ठीक से काम करना है। तो गृह कार्य रूप के रूप में हम इसको और बारीकी से देखते रहें। स्टेप वन में भाव के प्रति सजग हुई, और आप पाएंगे कि भाव के प्रति सजग होना हो सकता है बहुत ही आंशिक रूप से हुआ हो, ज्यादातर समय तो विचार के प्रति सजग रह पाते हैं, है ना, कई बार तो उसके प्रति भी नहीं रहते। तो आप पाएंगे कि जब ये सुबह का सत्र चल रहा होता है तो अवेयरनेस बढ़ जाती है, फिर जैसे ही सत्र समाप्त होता है फिर हमारा ध्यान बाहर की ओर इस तरह से फैलता है कि अंदर की ओर ध्यान देना शायद रुक ही जाए, तो उसको बनाए रखना है। अगर हम इसको एक अभ्यास रूप में ले आए कि जो कुछ भी बाहर कर रहे हैं वो भीतर के अवेयरनेस के साथ हो, तो आप पाएंगे पूरे जीने के कार्यक्रम में परिमार्जन होगा,
हो सकता है बीच में आपकी थोड़ी परेशानी बढ़े जब आपको लगे कि है ना ये दोनों काम एक साथ करना तो मुश्किल है, थोड़ा कठिन से मालूम दे सकता है। बट एक बार भीतर के प्रति अवेयरनेस बना रहे तो आप आएंगे कि बाहर जो हम बहुत सारा उल्टा पुल्टा करके दुख भोगते हैं बाद में उससे बचेंगे। निर्णय लेने के पहले 10 बार उस पर ठीक से विचार करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, है ना, कुछ बोलने के पहले, कुछ व्यवहार करने के पहले अपने आप में भाव को देखेंगे। एक साथी ने शेयर किया था कि है ना उनके पिताजी ने उनके लिए कोई बहुत जमा पूंजी तो रखा नहीं, कोई सुविधा जुटाकर दी नहीं, बट उन्होंने मरते मरते एक बात बताई और उनको ऐसा कहना कि बहुत ही मूल्यवान बात रही उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई बात हो घर में तो उस दिन रिएक्ट मत करना, है ना, कम से कम एक दिन का समय लगाना कुछ बोलने से पहले। तो उन्होंने कहा कि जब से मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ तब से परिवार में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि इसे एक दिन में मूल्यांकन कर लेते हैं। तो बढ़िया है, इसको हम आज विधिवत करें, मैं कोई अभ्यास बनाए रखना है, सतत प्रयास करते रहना है, सतत अभ्यास करना है। समय हो चला है तो हम लोग आज सत्र रोक लेते हैं, कल फिर हम लोग मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, इसको हम लोग जरूर विधिवत करते रहें, है ना, दिन में 3 बार 4 बार तो कम से कम ठीक से बैठ के 15-15 मिनट का समय लगाए अपने लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।